वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये मैं इधर ना छांव में खड़ी होकर बना रही हूँ। देखो अब मेरे को ना कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि मैं भी कैमरे में दिख रही हूँ कि नहीं। तो मैं ना इसकी छांव में आ गई हूँ, पेड़ की छांव में आ गई हूँ। तो आज वीकेंड था, हमने सोचा निकल जाते बाहर, और फिर दिवाली है क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो दिवाली है नहीं, फ्राइडे की है दिवाली, और इस बार तो पता ही नहीं असल में दिवाली है कब। हाँ थर्सडे की है। तो कुछ मैंने सोचा कि दिवाली की शॉपिंग एक आधा सामान ले आते हैं। अब मैं इधर वापस आ गई, मुझे नहीं पता मैं दिख रही हूँ कि नहीं। तो मैंने सोचा एक आधा दिवाली का सामान ले आते हैं और वो घूम भी आएंगे। और फॉल सीजन चला हुआ है, तो लास्ट वीक ही है फॉल सीजन का, इसके बाद सब कुछ झड़ जाएगा, सारे पेड़ वेड़ सब गंजे हो जाएंगे। और ये मेरे फेवरेट फूल है, मतलब मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है ये, और इतना बड़े बड़े साइज की है ये सारा का सारा। हाँ नहीं, मक्खी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ठंड, -5 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, मुझे नहीं पता था। मतलब वैसे धूप निकली हुई है बट ठंड बहुत ज्यादा तेज लग रही है। अभी तक इतना टेम्परेचर गया नहीं था ठंड का, अब जाना शुरू हो गया। अब आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, ठंड दोबारा आ गई है। तो हमने सोचा कि तो जाना ही पड़ेगा सामान लेने के लिए, तो दिवाली की मिठाई वगैरह लेके आएंगे, एक आधी चीज और ले आएंगे, क्योंकि बीच में फिर छुट्टी तो है नहीं, फिर बीच में जाना पड़ता, फिर वो मेरा मन नहीं करता। छुट्टी वाले दिन ही ठीक रहता है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पीछे का। ये देखो आपको ना, ये ना व्यू देख के नहीं लगेगा कि हाँ ठंड वगैरह है, बट -5 डिग्री है। और मेरे हाथ ना अभी ऐसे इतने ठंडे हो गए हैं फोन पकड़े पकड़े 2-3 मिनट भी। ये देखो, नहीं नहीं कोई ना, तो ये देखो कितना प्यारा व्यू है। तो थोड़ी देर घूम के इधर, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मैं थोड़ी देर पाऊंगी। अजय बोलता रह गया, कह रहा बंद कर दिया क्या तेरा। तो मुझे लग रहा है कि वापिस ही चलने में भलाई है, क्योंकि नहीं पकड़ा जा रहा, फोन भी हाथ में रखो, मेरा आंसू निकलने लग गए। -5 है ना, एकदम से -5 हो गया। आप सोचो मतलब 18 से एकदम से -5 चला गया, तो वो ना बहुत ज्यादा ठंड के बाद फिर +18 आ जाएगा। हाँ तो ये इधर कनाडा में बीमार करने वाला सिस्टम है, ये और कुछ नहीं है। कितना ही कितना ज्यादा, हाँ शांति से बैठो यहाँ पे बैठ के। ये तो मेरी मम्मी की फेवरेट जगह होने वाली है, अगर मम्मी होते ना यहाँ पे तो मेरी मम्मी को बड़ी पसंद है इस टाइप की जगह, की पानी वगैरह चल रहा है और ये घास वगैरह है। मेरी मम्मी असल में नीचे ही बैठती, बेंच पे बैठते ही नहीं। एक सेकंड के लिए रुकी, अभी देख कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी अच्छी लग रही है। जैसे पता है क्या, ठंड ना असल में मेन हवा की होती है, चाहे -10 है चाहे -15 है, फर्क नहीं पड़ता। 25 भी होएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता -25 में भी, जैसे ही हवा चलती है ना तो वो सबसे बड़ी दिक्कत। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ एक प्यारी सी चीज, ये देखो सेब, देखो कितनी पड़ी हुई है नीचे। जिसने भी सेब खानी, इंडिया में तो इतनी महंगी है, 200-250 रुपए किलो, यहाँ देखो ऐसी पड़ी हुई है। जितनी मर्जी सेब ले जाओ, यहाँ पे कोई लेके ही नहीं जाता, पेड़ से ही हवा ही तोड़ देते हैं इनको, या खुद खराब हो जाते हैं जब गिर जाते हैं। और कोई मना नहीं करता, अपना आराम से तोड़ो लेके जाओ, उनको तो ये है कि नीचे गिरेंगे, इससे बढ़िया किसी के पेट में ही जाए। यार लगे ही इतने में यहां पे देखो कितने पेड़ हैं, सारे सेब के हैं, कितने ले जाएगा बंदा। इतने ज्यादा सेब और सेब के ही हैं, वैसे और कोई फ्रूट के नहीं मैंने यहां पे देखे, बट सेब के पेड़ बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं, वो पता नहीं किसको। सेब के पेड़ इसलिए ज्यादा है यहाँ पे, और जब ही तो सेब का रेट कितना सही है यहाँ पे। अब कल हम देख रहे थे 79 सेंट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हेल्थ के लिए सबसे अच्छा कहते हैं सेब, लेकिन इसको पसंद नहीं, मैं तो खाता हूँ अपना डेली। गाड़ी में आके थोड़ी सी शांति मिली, थोड़ी क्या पूरी शांति मिली, इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर। मतलब जैकेट पहनी हुई है तो ठंड इतनी नहीं लग रही, लेकिन जैसे जो चीज़ कवर नहीं है, हाथ हो गए, मुंह नाक कान हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडी वाला लग रही है। और अब हम पियेंगे गरम गरम कॉफ़ी तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, और अब चलते हैं मार्केट की साइड। पहुँच गए इंडियन स्टोर, वो देखो सामने ही है, ये इंडियन स्टोर है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, बिस्कुट खा लो, इंडियन वाली सारी नमकीन, काफ़ी कुछ सौदा रखा हुआ, लेकिन थोड़ा महंगा है, और जो स्टोर है ना उससे सबसे महंगा है यहाँ। ये देखो
ये दिए हैं दिवाली के लिए, दिए लेने आए थे। कौन से पसंद आए? इस बार ना बहुत सारे डिजाइन आए थे। ये देखो कितने तरह के डिजाइन है, पेंट किया हुआ ना, अच्छा अच्छा पेंट किया। ये इधर है, ये सारा पूजा पाठ का सामान है इधर। ये देखो इंडियन वाले झाड़ू, ये लेके गए थे हम। मीनाक्षी बहुत खुश हुई थी जब ये लेके गए थे कि ये ले आए। देखो पान का पत्ता ले रहे हैं, एक ही लेना है? एक ही लेना, पर छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े नहीं है सारी एक साइज के, बड़ा देखते हैं बड़ा। देखो सारी चीजें मिल जाती हैं जो इंडिया में मिलती हैं, सारी रखी हुई। हाँ ले लो जो भी चाहिए आपको पूजा के लिए। ना मैं फ्रिज में रख के खाई ले ली, दिए ले लिए, पान के पत्ते ले लिए, और तो कुछ नहीं लेना खास। देखो क्या लेना आपने, पूजा में और तो कुछ नहीं चाहिए, और जो चाहिए होता मतलब वो तो घर पे है। चाहे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, कोई नहीं, अपना जो याद आ रहा है सामान ले लो। फिर बीच में तो हमने चक्कर लगाना नहीं इस साइड। एक माला ले लो, माला ले लो। उतारूं कैसे मैं इसको, लास्ट वाली सामान ले लिया जो लेना था, बाकी अभी बिल करवाते हैं। सामान वगैरह ले लिया जो भी लेना था, सारा मिठाई ले रही। माला एक मेरा मन था, कल से ही मन था कि एक माला तो लूंगी, और ये मैंने लिया फूल जड़ी। अजय कोई पूछ दी, मैं कहा तेरे को भी चलानी है तो तू भी ले लेगा तो ना। वैसे मेरे को ये बम वगैरह वाली चीज़ों से डर लगता है, पर फूल जड़ी तो जला ही सकते हैं। तो चलो सारा सामान ले लिया, हाँ पूजा का भी ले लिया, फूल जड़ी ले ली, फूल ले लिए, मिठाई ले ली, सारा कुछ हो गया, टेंशन फ्री हो जाएंगे अब। घर की तरफ निकल गए हैं, सारा काम हो गया, सारा काम डन हो चुका है, सारा सामान आ गया, सारी शॉपिंग कर ली, कुछ भी नहीं बचा। अब जो भी काम है दिवाली वाले दिन का है, एंड दिस इज इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, दिवाली की तैयारी करो। अब मैं भी दिवाली वाले दिन ही वीडियो बनाऊंगी, पॉसिबल हुआ तो, नहीं हुआ तो भी देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।